हेलो फ्रेंड्स, इजी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम फलाफिल सैंडविच बनाने जा रहे हैं। कई बार डेली बेसिस पे हम सेम चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं, तो फलाफिल सैंडविच एक ऐसी डिश है जो सभी को बहुत पसंद आती है। तो फलाफिल सैंडविच बनाने के लिए हमने दो पीटा ब्रेड लिए, ये हम दो सैंडविच बनाएंगे। तो इसके लिए हमने दो पीटा ब्रेड लिए, ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा हुम्मस लिया है और थोड़े से हमने फ्राइज लिए, इनको हमने फ्राई कर लिया है, और फलाफिल लिए है हमने। फलाफिल और हुम्मस बनाने के लिए आप मेरी इजी कुकिंग चैनल पर फलाफिल और हुम्मस की रेसिपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सैलड में लिया है, हमने टमाटो, अनियन थोड़ा सा, लेटस हमने जो चॉप कर लिया है, बीटरूट हमने थोड़ा सा लिया है, तो हमने साथ में कुकम्बर लिया है, खीरा। इसमें आप ऑप्शनल है, अगर आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं कुछ भी डालना चाहते हैं तो जो चीज़ आप नहीं डालना चाहते वो आप रहने भी दे सकते हैं। तो चले हम इसके लिए सैंडविच तैयार करते हैं। फलाफिल सैंडविच बनाने के लिए हमने जो पीटा ब्रेड लिया है वो हमने वाइट पीटा ब्रेड लिया है इस ब्रांड का। हम इसमें ब्राउन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ब्राउन जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो जब हम इसका सैंडविच बनाएंगे तो वो जल्दी से टूट सकता है। तो वाइट जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसके सैंडविच ज़्यादा बेटर बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो हम वाइट पीटा ब्रेड यूज़ करके इसके सैंडविच बनाएंगे। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपना तवा जो है हीट थोड़ी सी ऑन कर लिया, तो हम इसको हल्का हल्का सा थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो हम तभी तक इसको तवा को गर्म कर लेते हैं। तो जब तक हमारा तवा हीट होता है उतनी देर तक हम इनको सभी वेजिटेबल जो हमने लिए वेजिटेबल्स इनको मिक्स कर लेते हैं। हम सभी को एक बाउल में डाल लेते हैं। तो इनमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर लेते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ब्लैक पेपर नहीं डालना चाहते तो ठीक है, तो इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इनको ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसमें तहीनी सॉस, ये तहीनी सॉस है, ये एक सीसम सीड का पेस्ट होता है जो किसी भी आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें तहीनी डालना चाहते हैं तो आप इसमें पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी सैंडविच में बनाने के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो अभी डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डालना चाहते, कोई और सॉस डालना चाहते हैं तो ठीक है। तो हमारा तवा भी हीट हो चुका है। अब हम जो पीटा ब्रेड हमने लिया है इसको हम हल्का हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का हल्का सा इसको हम तवे पे थोड़ा सा वार्म करेंगे। तो अब हम जो पीटा है उसको थोड़ा हल्का हल्का सा वार्म कर लेते हैं। थोड़ा सा वार्म हो गया है, अब हम हीट को बंद कर देते हैं। हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा वार्म कर लिया है, अब हम इसकी पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए हम इसको नाइफ के साथ थोड़ा सा हल्का सा एक साइड से काट लेते हैं। अब हमने इसको एक साइड से थोड़ा सा काट के इसकी ऐसे पॉकेट बना ली है। तो हम दोनों पीटास को ऐसे ही पॉकेट बना लेंगे। अभी हम इसके लिए दो फलाफिल लेते हैं। एक सैंडविच में हम दो फलाफिल ऐड कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे दोनों को। तो अब हम इसको जो हमने पॉकेट बनाई है पीटा ब्रेड की उसमें हम डाल देते हैं। तो हमने उसमें डाल दिया है, साथ में हमने जो सैलेड तैयार किया है वो भी, उसको भी आप जितनी क्वांटिटी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं उस हिसाब से। और सैलेड ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़े से फ्राइज जो हमने लिए हैं उनको हम बीच में ऐड कर देते हैं। आप एक सैंडविच में 3-4 फ्राइज ऐड कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसमें हुम्मस भी डालना चाहते हैं तो आप हुम्मस ऐड कर सकते हैं। इसमें आप इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हुम्मस ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बाद में तहीनी भी डालना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून हुम्मस एक सैंडविच में ऐड किया है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको रैप कर लेते हैं। तो रैप करने के लिए पहले हम ऊपर वाली तह को इसके को हल्का सा फोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ, फिर हम इसको अच्छी तरह से घुमाकर
जो दूसरी तरफ भी इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा फलाफल सैंडविच एक तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम इसके लिए दूसरा फलाफल सैंडविच भी तैयार कर लेते हैं। अब हम दूसरे तरीके के साथ हमस का सैंडविच बनाते हैं, फलाफल सैंडविच। तो इसके लिए हम पीटा को हाफ काट लेते हैं। तो इसको हम ओपन, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जो हम इसकी पॉकेट है वो सेम उसी तरह ही हम इसकी हाफ करके इसकी पॉकेट बना लेते हैं। आप इसको ध्यान से ओपन करना। एक पॉकेट तैयार कर ली है दोनों की। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें फ्राइज ऐड कर लेते हैं। दो तीन फ्राइज ले लें आप एक में डालने के लिए, और अगर आप इसमें हुमस पहले डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा सैलेड ऐड करें इसमें, हल्का सा। अभी हमने एक फलाफल लिया है, इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, वो भी ऐड कर लेते हैं, और साथ में हमें और थोड़ा सा सैलेड ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर। और थोड़ा सा हुमस डाल लेते हैं। अगर आप इसमें तहीनी ऊपर से डालना चाहते हैं थोड़ी सी, तो वो भी डाल सकते हैं। ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया, इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब हम दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। हमारे फलाफल सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको आप ऐसे स्नैक किसी भी टाइम पे सर्व कर सकते हैं। ये एक अच्छी और हेल्दी रेसिपी है, इसको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।